इस वृंदावन में आकर के अगर संसारी चीज मानो मांगोगे ना, तो वो तो ऐसा है जैसा चंद्रमणि छोड़ करके कोई कांच मांग ले, कांच का टुकड़ा मांग ले। चंद्रमणि तुम्हारे पास और तुम कांच का टुकड़ा मांग, नहीं, एक ही रस का फल है यहां तो वृंदावन का, प्रिया प्रीतम की सेवा। और इस वृंदावन में जितने प्रिया प्रीतम प्यारे ना, उतना उनकी हर वस्तु प्रिय है, कोई एक नहीं, हर वस्तु प्रिय है। ब्रज में आके देखो तो ब्रज में जिस स्थान पर श्री वृंदावन धाम में, जहां जिसको हम झाड़ू कहते हैं, वो झाड़ू को भी एक संत जैसी पदवी मिली है। झाड़ू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं झाड़ू को? सोहनी। तो सोहनी जी, उनको सोहनी जी कहते हैं, सोहनी जी हैं। और अगर ब्रज के संतों की बात करें तो परम रसिक शिरोमणि पंडित शिगया प्रसाद जी महाराज, उनकी तो सेवा ही बस यही थी, पूरा जीवन एक ही सेवा की उन्होंने, सोनी सेवा, सोनी सेवा, सोनी जी, सोनी जी। और सोनी जी की सेवा कैसे करते? सोनी सेवा करने के बाद उसको फिर स्नान करवाते, स्नान के बाद फिर उसको सिंहासन पर विराजमान। अब दुनिया वाला कोई देखेगा ना तो कहेगा एक नंबर का पागल है, ऐसे कहाँ होता है कि तुम झाड़ू पोछा का भी आरती पूजा करो। और वो सोनी जी जब सेवा से विरक्त हो जाती कि अब काम उतना नहीं कर पाई, तो उसको जा करके गिरिराज जी की तलेटी में पुष्पार्पित करके समाधि देते कि इसने हमारी प्रिया जी की इतने दिन तक सेवा करी, गिरिराज जी की, लालजू की सेवा करी, तो उनको जाके समाधि देते। बताओ कितना प्रिय, कहते ना प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम हुआ करती है, तो ब्रज में यही होता है, हर वस्तु से, चाहे वो पांव में पड़ा कंकड़ ही क्यों ना हो, यहाँ का हर कंकड़ भी महान है, यहाँ की माटी भी महान है।